रिच वर्सेस पुअर डॉटर। कैलाशपुर नाम के गांव में विनोद चोपड़ा नाम का एक अमीर आदमी हुआ करता था। उसकी पत्नी मर जाने से अपनी बेटी को वो बहुत ज्यादा लाड प्यार से बड़ा किया। उसका नाम है प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा को पैसों की अहमियत बिल्कुल नहीं पता थी, बहुत ज्यादा दान धर्म किया करती थी। एक बार वो जिस कार में जा रही थी वो रोड के बीच रुक गई। कार से उतरकर वो इधर उधर ऑटो के लिए देखने लगी। तभी एक ऑटो आकर उसके आगे रुका। वो उसमें बैठकर जा रही थी तो ऑटो वाला, बेटी प्रियंका, कार को क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम हुआ है लगता है काका। वैसे आप और आपका परिवार कैसा है? ठीक ही हो ना? हाँ, अब जैसे ही वैसे ही है, बस जिंदगी जी रही है। बड़ी बेटी की शादी में 10,000 कम पड़ गई बेटी, बस वही फिकर सता रही है। फिर ऑटो उसके घर के आगे आकर रुकी। उससे उतरकर प्रियंका, काका ये लो, ये 1,00,000 रुपए रखिए, शादी के काम आएंगे, शादी में बुलाना मत भूलना, कहते हुए उसे पैसे दी। वो खुशी से पैसे लेकर वहां से चला गया। वो देखकर विनोद चोपड़ा, क्या बेटी, उसे तो सिर्फ 10,000 की जरूरत थी ना, 1,00,000 रुपया क्यों दी? ये बेवजह दान करना सही बात नहीं है बेटी। टेक इट इजी डैडी, कूल डैडी, कहते हुए चली गई। एक दिन एक बूढ़ा आदमी प्रियंका के सामने आकर, मेरी क्या किस्मत है प्रियंका, मैं घर के बाहर आते तुम सामने दिख गई, क्या किस्मत की बात है। ए गांव में तुम्हारी जितनी किस्मत वाली कोई नहीं है, आज किसी भी हाल में मेरी परेशानी दूर हो जाएगी। वैसे आप किस काम से जा रहे हैं दादा, कहिए। बैंक में 5,00,000 का लोन के लिए जा रहा हूँ बेटी, मेरा खेत गिरवी रखकर लेना पड़ेगा, बहुत दिक्कत हो रही है पैसों की, किसी भी तरह ये लोन मिल जाए तो मेरी परेशानी दूर हो जाएगी। इतनी सी बात के लिए लोन क्या लेना दादा, अगर किस्तें ना भरे तो आगे जाकर और परेशानी होगी, वो पैसे मैं दे दूंगी, आप ले लीजिए। वो सुनकर बूढ़ा आदमी बहुत खुश हो गया। घर पर ये बात पिता से बोली। तब विनोद चोपड़ा, बेटी प्रियंका, बिन माँ की बेटी हो सोचकर बहुत लाड प्यार से पाला तो मुझ पर ही उल्टा पड़ गया, तुम्हें पैसों की अहमियत बिल्कुल नहीं है, अगर बेवजह जो जरूरी मन लोग नहीं है उनका इतना दान करोगी तो आगे वालों की बिगड़ने की संभावना है। तुम आज से ही इस गांव में हमारे नौकर रंगा की बेटी होने का नाटक करो, तब तुम्हें ही समझ आ जाएगा कि गांव वालों का असली रूप क्या है। आप जैसे कह रहे हो कि पैसों की वजह से ही वो मेरी इज्जत कर रहे हैं, वैसे कुछ नहीं है पापा, ठीक है यही करते हैं, आपको भी पता चल जाएगा। अगले दिन से प्रियंका रंगा की बेटी की तरह पुराने साधारण कपड़े पहनकर रंगा की बेटी बनने का नाटक। एक दिन पहले वाले ऑटो वाले को रोकी। ऑटो में जब जा रही थी तो ऑटो वाला, हाँ कहाँ जाना है, देखने में तो भिखारी लोग रही है, ऑटो का किराया देने के लिए पैसे तो है ना? मुझे शिव मंदिर तक जाना है जी, मेरे पास सिर्फ 5 रुपए ही है, कृपया करके मुझे वहाँ तक छोड़ देंगे। बस वो ऑटो वाला तभी ऑटो रोककर, क्या सिर्फ 5 रुपए में ऑटो में छड़ी, अच्छा हुआ कि 5 रुपए में अमेरिका के लिए नहीं रवाना हुई, चलो उतरो उतरो, सुबह सुबह पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, ये क्या कोई गवर्नमेंट का फ्री सर्विस है, चलो उतरो, बेकार लोग। यूं सुनाने लगा। उससे मदद लिया हुआ इंसान ऐसे बात किया ये जानकर प्रियंका बहुत दुखी हुई। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी उसके सामने से गुजरा। छी छी छी, क्या शकल देख रहा हूँ, घर के बाहर आते कि किसकी शकल देख लिया, क्यों कौन हो तुम, कोई काम दाम नहीं है क्या, मेरे आगे क्यों आ गई? मैं अपने रास्ते पर जा रही थी जी, आप ही मेरे रास्ते के बीच आए। चुप कर, मानुष शक्ल रखकर ये मुझे ही पलट कर जवाब दोगी, कोई काम वाली लगती हूँ, वैसे ही रहो, ज्यादा बात किया तो ठीक नहीं होगा, जा जा मानुष शक्ल कहीं की, कहकर वहाँ से चला गया। उससे प्रियंका बहुत दुखी हो गई, फिर उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। फिर घर लौटकर, पापा आप इतने समय से समझा रहे थे
लेकिन मैं नहीं समझ पाई। लेकिन अब समझ आ गया, किसकी मदद करनी चाहिए, कितनी मदद करनी चाहिए, ये बिना जाने मदद करना गलत बात है, ये मैं जान गई हूँ पापा। मुझे पैसों की अहमियत अब पता चली। अब से किसके साथ कैसे रहना है, कैसे बर्ताव करना है, वैसे ही करूंगी। तब से वो हर किसी की लापरवाही से मदद ना कर जरूरतमंद को पहचान कर सोच समझ कर मदद करने लगी और अच्छा नाम कमाई। मिनी बाइक। एक गांव में संदीप नाम का लड़का रहा करता था। वो उस गांव के कॉलेज में डिग्री पढ़ा करता था। वो अपने पापा से एक एकड़ जमीन बेचकर अपने लिए स्पोर्ट्स बाइक खरीदवाया। एक दिन कॉलेज के पास उसका एक दोस्त, ए संदीप, मेरा घर भी तेरे घर के पास ही है ना रे, मुझे भी तेरे बाइक पे चढ़ा के लेके जाना रे। जब भी बुलाता हूँ तो देखकर अनदेखा करके चला जाता है। तेरे पास बाइक जब नहीं था तो मैं तुम्हें अपने साइकिल में ड्रॉप करता था ना रे, भूल गया? ए, हर एक इंसान का एक रेंज होता है। मेरा स्पोर्ट्स बाइक का रेंज है, तेरा खटारा साइकिल का रेंज क्या है? तुझे मेरे बाइक पे चढ़ने की औकात तक नहीं है रे। तुझे ही नहीं, इस गांव में किसी को भी नहीं है। इस गाड़ी की कीमत जितना है उतने में तू तेरी बहन की शादी करवा सकता है, जानता है? और एक बार पूछ के तू अपनी इज्जत गवा मत, जा, कहा वो बहुत उदास होकर गया। संदीप को चिंपू नाम का भाई हुआ करता था। चिंपू एक दिन, एक बार स्कूल में ड्रॉप कर देना, उतना दूर चलकर जाता हूँ तो मेरे पैरों में दर्द हो रहे हैं। ए, तू क्या है रे, इसे स्कूल बस समझ रहा है या शेयर ऑटो समझ रहा है? तुझे रोज स्कूल ड्रॉप करने के लिए ये स्पोर्ट्स बाइक है, तुम्हारे जैसे छिछोरों को चढ़ाने के लिए नहीं बनी है। वैसे तू तो कल बहुत ही इंटरेस्ट से छू रहा था रे, और एक बार इसे छूने की कोशिश की तो टांगे तोड़ दूंगा। चिंपू उदास होकर रह गया। संदीप उस बाइक को रोज धोता था, उनके घर के आधा पानी उस पे ही खर्च होता था। उसे सुबह पूजा करके आरती देता था। उसकी माँ, क्या रे तेरा पागलपन, घर का पूरा पानी खत्म कर रहा है, मेरे पूजा का सामग्री पूरा उस बाइक पे लुटा रहा है। उस बाइक पे जो ध्यान दे रहा है वही बायोलॉजी पे देता तो कम से कम तीसरी बार तो पास हो जाता। संदीप अपनी माँ की बातों का नजरअंदाज कर दिया। एक दिन संदीप सेलफोन पे बात करते हुए उस बाइक पे जा रहा था। बेबी, टिकट्स मिल गया? अच्छा ठीक है, तो फिर 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ, कहकर एक बूढ़ी औरत से टकराया। वो नीचे गिर गई। दैया रे, कमर टूट गई, कहकर चिल्लाने लगी। क्या है माँ, देखकर चलना भी नहीं आता है, सड़कों के बीचों बीच चल के जाने से कैसे होगा? यहाँ पे लाइफ टैक्स वाहन सभी जाते हैं, उसका ध्यान देना जरूरी है। तुम्हारे वजह से मेरे बाइक पे खरोच आए, रिपेयर के लिए पैसा कौन देगा? जा जा माँ। ये सब वहां से गुजरता एक स्वामी ने देखा। स्वामी जी वहां पे आके, तेरी आंखें सर पे इतनी चढ़ गई है, फोन पे बात करते हुए उन्हें टकरा के उन्हीं को गाली दे रहा है, तुझे सही सबक सिखाऊंगा, रुक, कहकर कमंडल से पानी निकालकर उस बाइक पे छिड़क कर चला गया। पानी डालने से क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, बापरे मूवी का टाइम हो रहा है, कहकर निकल गया। संदीप गाड़ी पे जाते वक्त अचानक बाइक मिनी खिलौने बाइक में बदल गया। वो घबरा गया। वो उस टॉय बाइक में जाते देख गांव वाले और उसके कॉलेज के दोस्त सभी हंसने लगे। वो आहिस्ता उस पे सिनेमा थिएटर के पास गया। उसे देखकर स्वाति, मैंने सेफ ब्लैक में टिकट खरीदा तो इंटरवल के टाइम पर आएगा, और ये क्या खिलौने के बाइक में आ गया है, तू सट गया लगता है, मैं जा रही हूँ, कहकर वो चली गई। संदीप को क्या बोलना है समझ में नहीं आया, उसे लेकर घर गया। चिंपू उस गाड़ी को देखकर, अरे खिलौने का बाइक है, मेरे लिए लाया क्या? हाँ रे मेरे भाई, तेरे लिए ही लाया, बेचारा तेरे पैर में दर्द कर रहा है बोलने के बावजूद भी मैं तुझे लेकर नहीं गया, वैसे ही मेरे फ्रेंड्स को भी मदद नहीं किया, तभी तो वो भगवान मुझे ये सबक सिखाया। तू आज से इस बाइक पे स्कूल जाया कर, खेल। उस दिन के बाद संदीप कॉलेज को पैदल जाने लगा। चिंपू उस खिलौने के बाइक में स्कूल जाने लगा। एक दिन संदीप सुबह उठकर देखा तो उस खिलौने के बाइक के पास उसकी असली बाइक भी थी। संदीप मन ही मन स्वामी जी का प्रणाम किया। उस दिन के बाद संदीप रोज अपने घर के पास रहता उसके दोस्त के साथ कॉलेज जाया करता था। वैसे ही सेलफोन ड्राइविंग वगैरह किए बिना ट्रैफिक रूल्स का फॉलो भी करता था।